Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. अब हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल और वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट। देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देम एंड दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इलेक्ट्रो द नेम इंडिकेट्स इट्स मीनिंग इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेट मीन्स मैग्नेट जब हम किसी कॉयल से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो मैगनेट की तरह बिहेव करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इस सर्किट में क्या क्या चीजें हम लोगों ने ली हैं देखिये ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जिसमें दिस इज मेटल बॉब इसको हम कहेंगे बॉब राइट एंड दिस वन इज मेटल हैमर ये भी आयरन का ही बना हुआ होता है आफ्टर दैट वी हैव यूज दिस वायर ओके okay. वायर के बाद यहाँ पर दो सेल्स लगे हुए हैं बिफोर द वायर यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रो मैगनेट्स लगे हुए हैं मतलब दो कॉयल्स हैं ये पूरा एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर वायर्स रैप की हुई है तो हमारे पास दो कॉयल्स हैं ठीक है चीके? अब इसके वर्किंग कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक ये नेल है नेल से एक इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड है ठीक है नेल से जो इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है एक सेल से मतलब दो सेल से एंड देन दिस वायर इज अगेन गेटिंग कनेक्टेड विद द कोयल आपस में दोनों कॉयल से सेम वायर कनेक्टेड है आफ्टर दैट ये वायर कनेक्टेड है यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप से ये है स्ट्रिप ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज मेटल स्ट्रिप अब यहाँ पर क्या होता है जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं इस वायर के थ्रू क्योंकि यहीं पर सेल्स लगे हुए हैं तो ये वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ये पास हो हो के कहाँ पर चला जाएगा इस कॉल पर ये कॉयल है इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा मतलब ये मैग्नेटिज्म शो करेगा जैसे ही ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो दिस मेटल स्ट्रिप ये वाला जो मेटल स्ट्रिप है ये इस मैग्नेट की तरफ बढ़ जाएगा राइट मैग्नेट से ही अटैच्ड है एक ये हैमर जैसे ही ये स्ट्रिप मैग्नेट की तरफ जाएगा मतलब ये फिलहाल इस पोजीशन में है यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा मैग्नेट की तरफ टच करने के लिए और उसके साथ साथ जैसे ही स्ट्रिप आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा एंड इट विल स्ट्राइक दिस बॉब जैसे ही ये बॉब पर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा एक आवाज़ आएगी टन जैसे हम लोग को हमेशा सुनाई देती है जब भी हम किसी का बेल बजाते हैं अब आप ये तो समझ गए हैं कि यहाँ पे एक आवाज़ आई है अब आप ये भी समझिए कि एक बार स्विच हम ऑन करते हैं तो हमें एक बार ही आवाज़ आती है उसके बाद दोबारा सब शांति हो जाती है अगेन वी हैव टू स्विच ऑन सो दैट दोबारा हमको आवाज़ आए तो ऐसा कैसे होता है कि एक बार आवाज़ हो के दोबारा वो अपनी पोजीशन में चला जाता है सब कुछ देखिए जैसे ही हम मैंने आपको अभी समझाया था ये मेटल स्ट्रिप जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाता है तो इट मेंटेन्स अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस नेल यहाँ पे नेल है नेल के साथ वायर लगी हुई है है ना अब ये यहाँ पर कनेक्टेड था लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा दे विल बी डिस्टेंस बिटवीन द नेल एंड दिस स्ट्रिप तो जैसे ही इन दोनों में डिस्टेंस होगा तो यहाँ से वायर जैसे करंट फ्लो करना अब ये मतलब सर्किट ऑफ हो गया है ये सर्किट ओपन हो जाएगा क्योंकि करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वो अब फ्लो करना बंद हो जाएगा क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया है दैट इज वाई एक बार हम स्विच ऑन करते हैं तो बिकॉज दिस स्ट्रिप इस टोटली कनेक्टेड विथ दिस नेल तो इस पर इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है जैसे ही ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेनटेन करता है थोड़ा सा दूर हो जाता है तो करंट उसमें से फ्लो नहीं करता है एंड देन ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है ये उसके बाद अपनी पोजिशन में दोबारा चला जाता है दोबारा हम सेकेंड टाइम स्विच ऑन करेंगे दोबारा सेम प्रोसेस होगा यहाँ से वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से यह इलेक्ट्रो मैगनेट दोबारा मैगनेट की तरह बिहेव करेगा और ये इस स्ट्रिप को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये हैमर इस गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा स्ट्राइक करने के बाद उसमें से हमें दोबारा आवाज़ आएगी राइट तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है इन एन इलेक्ट्रिक बेल एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास सेवेंथ ये एग्ज़ाम में आता ही आता है इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम एंड उसकी वर्किंग इट डेफिनेटली कम्स तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाला है ठीक है